अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान आरिफ खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन, सब्र से काम लें, मिलकर हालात से निकलेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं हकदार को उसका हक हर सूरत दिलवाया जाएगा। सैलाब से मजीद 18 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुतासर अफराद बे आसरा और बे यारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अपना सब कुछ लुटाने के बाद बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर मौजूद मुतासरीन मदद के लिए किसी मसीहा के मुंतजर। पाक फिजाइया ने मुल्क भर में अपने तमाम एयर बेसिस पर 7 सितंबर यौम शोधा के तौर पर मनाया। सरबरा पाक फिजाइया कहते हैं पाक फिजाइया की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वराना महारत की काबिल फख्र तारीख रकम है। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान का इजहार अफसोस, नया जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पानी उतरने पर जो वबाई अमराज पैदा होंगे अब हमें उसका चैलेंज है। साफ पानी मुहैया करना और घरों को दोबारा तामीर करना खरबों रुपए का काम है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के मौके पर मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और सगो पुल की बहाली के काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को कमिश्नर और शाहराहों के कौमी इदारे के हुक्काम ने सगो पुल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त की बहाली के लिए इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी। सगो पुल डेरा इस्माइल खान को बलूचिस्तान के इलाके कचलाक के साथ मिलाने वाली कौमी शाहरा N50 पर वाक़ है। पुल को हालिया सैलाब की वजह से नुकसान पहुंचा था। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज मैं एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए DI खान हाजिर हुआ हूँ। वफाकी सूबाई इदारे और अफवाज पाकिस्तान आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं, जिस पर इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालिया मुश्किल हालात में इंतज़ामिया और अफवाज ने खिदमत इंसानियत की खातिर अपना किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि कंबर शहदाद कोर्ट का दौरा किया, हर तरफ पानी ही पानी है। दरिया के पेट में होटलों का क़याम कानूनी तौर पर नाजायज है। लोहे कोहिस्तान में 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। अपनी जिंदगी में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया कि अब सैलाब से मुतासर लोगों के लिए मुख्तस रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब कर दी जाए। कोशिश है 2 लाख खैमे 2 हफ्तों में पहुंचा दिए जाएं। आर्मी चीफ के हुक्म पर सवात वैली में FWO और NHA मिलकर काम कर रहे हैं। हमने दौरे किए, आप यकीन करें कि यहाँ पर तो अब पानी अल्लाह ताला के फजल करम से नीचे आ रहा है। वहाँ पर इस तरह है कि जिस तरह समंदर चारों तरफ ठाटे मार रहा है, जिस तरह ये पानी आपको नज़र आ रहा है, इससे भी बढ़कर वहाँ पर हर तरफ पानी पानी है। NDMA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। 6,579 किलोमीटर सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद जाबहक होने वालों की मजमू तादाद 1,343 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 12,500 से तजावज़ कर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और बारिशों से मजमू तौर पर सबसे ज़्यादा 535 अमवात सिंध में रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में 260, खैबर पख्तूनख्वा में 290, पंजाब में 191, गिलगित बल्तिस्तान में 22, जबकि आज़ाद कश्मीर में 43 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँबहक होने वालों में 591 मर्द,
269 खवातीन और 474 बच्चे शामिल हैं। NDMA रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि सैलाब से सिंध में सबसे ज्यादा 8321 अफराद जख्मी भी हुए। पंजाब में 3858, बलोचिस्तान में 164, खैबर पख्तूनख्वा में 351, जबकि आज़ाद कश्मीर में 21 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में 11,32,572 घरों को जुज़्वी नुकसान पहुँचा, जबकि 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 246 पुल और 6,579 किलोमीटर सड़कें भी मुतासिर हुईं। मुल्क भर में 7,51,000 से ज़ायद मवेशी भी सैलाबी रेलों में बह गए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना है कि हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, मखसूस टेक्नोलॉजीज़ और कौमी दिफाई सलाहियत में तरक्की के लिए कोशां हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फिजाइया ने मुल्क भर में अपने तमाम एयर बेसिस पर 7 सितम्बर यौम शहदा के तौर पर मनाया। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक शहदा और उन तमाम अफराद के लिए खसूसी दुआएं और कुरान खानी की गई जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इसी सिलसिले की मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर चीफ ने कहा कि पाक फिजाइया की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशावराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख रकम है। वतन के बहादुर सपूतों ने हमेशा कौम की पुकार पर लब्बैक कहा और जंगों के दौरान अपने खून से अजीम दास्तानें रकम की। पाक फिजाइया ने आबाओ अजदाद की अजीम रिवायात की बदौलत तरक्की की है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि हालिया सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों और रेस्क्यू के अमल में पाक फिजाइया के अहलकारों की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं और हक के खुद इरादियत के हुसूल की खातिर उनकी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद की कब्र पर एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल, एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड ने सरबराह पाक फिजाइया की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले, मेरा जज साहिबा के जज्बात मजरूह करने का मकसद नहीं था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का तौहीन अदालत केस में नया जवाब सामने आ गया। जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले, मेरा जज साहिबा के जज्बात मजरूह करने का मकसद नहीं था। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलों में इंतहाई एहतियात से काम लूँगा, ना तो कभी ऐसा बयान दिया ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती जेरे इल्तिबा मुकदमे पर असरअंदाज हो। उन्होंने अपने जवाब में मजीद लिखा कि मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। अदालतें हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूलों को तस्लीम करती हैं। अफो दरगुजर और मुआफ़ी के वो इस्लामी उसूल इस केस पर भी लागू होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब जमा कराने का एक मौका दिया जिस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 19 सफहात पर मुश्तमिल जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। कबल अजी 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के अबूरी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 8 सितम्बर तक दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म भी दिया था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।